भाई यूपी वाला ठुमका लगाओ। So, और क्या चल रहा है भाई लोग? क्या चल रहा तो चलता रहेगा, बढ़ते हैं आगे। So guys, are you ready for Mad Monday? Mad Monday? Hey, Mad Monday, Mad Monday. तो चलो देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। भाई आलसी बिल्ली कैसे रहती है बताना। यार देखो, बिल्ली सच्ची में बहुत आलसी होती है और उसके अंदर एटीट्यूड भी होता है। जब उसको भूख लगी होती है तब तुम्हारे पैर के आगे पीछे घूमेगी, लेकिन जब उसका पेट भरा होता है ना तब बुलाने पे भी नहीं आती। अभी कल ही मेरे घर के सामने एक खाई पी बिल्ली आके लेटी थी। मैंने सोचा चलो थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। मैंने कहा बिल्लू इधर आओ। अरे आ जाओ यार बिल्लू। इतना बुलाया लेकिन बिलौटी आई नहीं। सर अगर पात दिखता और वो कलरफुल होता, रेड ब्लू ग्रीन येलो, तो क्या होता है? यार देखो, अगर ऐसा होता ना तो घर में कलर करने की जरूरत नहीं पड़ती। घर के सारे फैमिली मेंबर लगे होते दीवार से धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। छोटा भाई इधर पात रहा है, बड़ा भाई उधर पात रहा है। पापा गए पड़ोसी के बच्चे को लाने के लिए जो कि व्हाइट कलर का पाता है, और उसको लेके पूरा सीलिंग पदवाना है। और छोटे बच्चे उनको पता नहीं कौन सा पादना है, लाल की जगह हरा पाद दिए ना, तो भाई साहब सारी मेहनत बर्बाद। और सोचो अगर बिल्डर को अपनी बिल्डिंग कलर करानी होती तो वो कुछ ऐसे ऑर्डर देता। हेलो हाँ सुनो, हाँ 100 पाद ऑर्डर चाहिए। हाँ उसमें 5 लाल पादने चाहिए, 5 हरे, ठीक है। हाँ और हाँ सुनो, व्हाइट वाले ज़्यादा होने चाहिए। हाँ प्राइमर वाले 1-2 भेज देना, ठीक है। चलो हाँ काम हो जाना चाहिए शाम तक। अरे दादा तेरा नाक कहाँ से खरीदा था? यार देखो ये नाक खरीदी है मैंने कानपुर से। उस टाइम मैं कानपुर गया था और मुझे थोड़ा सा जल्दी था। मुझे पता था कि कानपुर में कान के डिजाइन अच्छे मिलते हैं, नाक के तो नागपुर में मिलेंगे। लेकिन फिर भी मुझे कुछ जरूरी काम था, मुझे कुछ सूंघना था। तो वहीं पे एक बस डिपो है और बस डिपो के सामने स्टेट बैंक है। स्टेट बैंक के पीछे एक दवा खाना है। दवा खाने के सामने एक छोटी सी दुकान है, मैं उसके पास गया। मैंने कहा भाई साहब नाक दिखा दो। कह रहा है भाई साहब ये तो कानपुर है। मैंने कहा यार एक भी नाक नहीं रखे। कह रहा ये देखो ये है, एक पकौड़े जैसी है। लेकिन मैंने कहा ठीक है यार दे दो कोई बात नहीं। तो कहता ले लो। मैंने कहा कितने का है? कहता 3,500। मैंने कहा यार एक तो पकौड़े जैसी नाक के ऊपर से इतना महंगा बता रहे हो यार तुम भी। हाँ मैंने कहा कुछ कम कर लो यार। कहता यार कितना दोगे भैया बोलो। मैंने कहा जितना बोलो तुम यार, कुछ कम कर लो यार अपने हिसाब से यार। तो यार 3,000 में दिया बस। फिर मैंने लगा लिया और अपना काम कर लिया। फालतू की बातें करते हो, पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस बनो, फालतू के सवाल मत पूछा करो। कदा हट भाई, मर्सिडीज खरीद के दिखाओ प्लीज। यार पहले बताना चाहिए ना, मैं अपना एटीएम कार्ड लेके नहीं आया। वेरी बैड डे। हरियाणवी बोल के दिखाओ भाई 2 लाइन। के भाई समझ ना आ रहा तन्ने, बताऊं बताऊं एडिटर कौन सा यूज करूं? हां बोल बताऊं तन्ने। भाई आप मेंढक की आवाज निकाल के दिखाओ, बारिश का मौसम तो चला गया तो मेंढक की याद आ रही है। गजब बेइज्जती है यार, सीधा सीधा बोल दो ना मेंढक बोलना तो, घुमा फिरा के क्यों बोलते हो वाया 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 वाया। अम्मा ए अम्मा सारे मिलके हमको पागल बना रहे। टर, टर। अच्छा मेंढक से याद आया, मैंने एक मेंढक देखा था, उसके यहाँ पे 2 गुब्बारे लगे हुए थे, ऐसे फूल रहे थे, पिचक रहे थे, खरीद के लाया होगा शायद वो। भाई आपको एडिटर पूछने वालों से इतनी नफरत क्यों है? नफरत किसी से नहीं है यार, सब अपने भाई लोग हैं। ये मेरे से मजाक कर लेते हैं, मैं इनसे मजाक कर लेता हूँ, बस इसी में खुशी खुशी जिंदगी कट रही है। और नफरत होती तो भाई कमेंट पड़ता ही नहीं ना। बाकी मैं तो पता ही है ना कि मैं एडिटर कौन सा यूज करता हूँ, पता है ना। भाई आपको कभी किसी लड़की ने भाव दिया है? भाव तो दिया है लेकिन मैं नहीं बताएंगे। भाई तेरा मुंह कबूतर जैसा क्यों लगता है? कभी कभी तुझे भी लगता है क्या? हाँ यार पहले मैं चिट्ठियां छोड़ा करता था ना मुंह में दबा के ऐसे, इसलिए हो गया कबूतर जैसा मुंह। और मेरे को तो डेली लगता है, मैं शीशा देखता हूँ तो सोचता हूँ अरे कबूतर।
चलो चना खाते हैं। भाई आप बहुत ही पतले दिखते हो, क्या खाते हो? बहुत ही पतले दिखते हो। भाई मैं कुछ नहीं खाता इसलिए तो पतला दिखता हूँ, कुछ खाता होता तो मोटा दिखता ना। बाय द वे मुझे खाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है इसलिए मैं कम ही खाता हूँ। जीने के लिए खाता हूँ, खाने के लिए नहीं जीता। सर मेरी और मेरी जान का नाम बोल दीजिए अमरीश पुरी की आवाज में। नाम बोलने का 150 रुपया लेगा। जिन भी व्यक्तियों को अपना और अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बुलवाना हो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में UPI ID है, वहाँ पे 150 रुपया भेज देने का और मंडे टू मंडे आके आशीर्वाद ले लेने का। तुम्हारा पहला है तो तुम 101 देना, 50 रुपया डिस्काउंट, ठीक है? तो अभिषेक और कृतिका खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ रहो ठीक ठाक रहो, बर्बाद मत रहना, समझे? ये तो यार वो हो गया पेड हेलो फरमाइश। अब तो पैसा ही पैसा होगा। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। पता है इसको क्यों दबाता रहता हूं? ताकि आप लोग को लगे मुझे गिटार बजाना आता है, मेरे को आता नहीं है। तो बस आज के लिए इतना, वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं पसंद तो डिसलाइक करो, ऐसे तो नहीं जानूंगा। और हाँ, इंस्टाग्राम के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मन करे तो फॉलो करें। चलो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चाय पीनी है? हाँ पीनी है। किसको किसको पीनी है? मुझे कटोरा भर के। और पापा आपको? पापा को नहीं पीनी, पापा ने मुंह में दही जमा रखी है। कोई बात नहीं, चाय पिएंगे ना दही पिघल जाएगी।